एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो रूल नंबर वन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ लगता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वहाँ लगता है, एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है, डीएल बाई डी टी, ये हमें पता है। अगर आपके सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं काम करता, जैसे सन और अर्थ एक सिस्टम है, दोनों पे हमने जाके कोई कोई फोर्स लगाई नहीं, उनकी इंटरनल है, हमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया, तो एल की वैल्यू क्या हुई थी, अर्थ की कॉन्स्टेंट। तो किसी भी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता तो एल उसका सिस्टम का क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। अब इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, वो करने से पहले रूल नंबर वन, पॉइंट मासेस के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एल इज इक्वल टू एम वी आर, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट मासेस है तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर। नेक्स्ट है, अब स्फेयर डिस्क या रिंग के लिए मत लगाना एम वी आर, उसके लिए एल का फॉर्मूला क्या लगेगा, आई टाइम्स ओमेगा, ये भी हमने किया। फिर मैंने आपको अर्थ और सन का एग्जाम्पल दिया, अगर अर्थ सन के आसपास घूम रही है, उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है वी, क्योंकि उसकी दूरी सन से चेंज हो रही है, तो वी की वैल्यू अब देख लो, यहाँ पर वी वन है, जब डिस्टेंस आर वन है, वी टू है, आर टू है, हमने किया था अर्थ सन के सामने इज अ पॉइंट मास, तो अगर अर्थ सन के सामने पॉइंट मास है तो पॉइंट मासेस का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, तो मैं बोल सकता हूँ एम वी आर इज कॉन्स्टेंट। तो घूमती हुई अर्थ के लिए एम वी आर इज अ कॉन्स्टेंट, और हमने ये डिस्कस कर लिया था, जब अर्थ की दूरी कम बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी अर्थ की, और जब दूरी घटेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी अर्थ की, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। पॉइंट नंबर टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ये नीट में और मेंस में, मतलब कितनी बार आया हुआ है मुझे खुद नहीं मालूम, तो मैं मिल ही जाएगा ये बहुत बार। क्वेश्चन है कि अगर अर्थ घूम रही है अपने एक्सिस पे, तो डोंट टेक इट एज अ पॉइंट मास, अर्थ घूम रही है तो बॉल है, 2/5 mr² है, वो सन के सामने पॉइंट मास है, तो अगर अर्थ रोटेट कर रही है एक्सिस पे और अर्थ का घूमने का टाइम पीरियड 24 आवर्स है, 24 घंटे हैं, तो अर्थ एक चक्कर 24 घंटे में काटती है, तो अर्थ की घूमने की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन है, और जब उसका रेडियस आर है। अब ये ना पूछो कैसे, घूमती घूमती अर्थ श्रिंक हो गई, छोटी हो गई, अब आपको वो कैसे हो जाती है, नहीं हुई नहीं है, अगर मान लो हो जाए, पर मैंने कुछ नहीं किया, घूमती हुई अर्थ को मैंने टच भी नहीं किया, तो नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अर्थ के लिए क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, और ये गिवन है, मास रिमेनिंग सेम, मास में कोई चेंज नहीं आया, बस साइज में छोटी हो गई, और कितनी छोटी हो गई, रेडियस उसका आर बाय एन हो गया। तो बताओ नया टाइम पीरियड क्या होगा अर्थ के घूमने का, तो याद रखना, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क तुमने अप्लाई नहीं किया, एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम पहले कितना था, आई वन ओमेगा वन, अब कितना है, आई टू ओमेगा टू, क्योंकि तुम आई चेंज करोगे, रेडियस चेंज होने से आई चेंज होगा, तो ओमेगा भी चेंज हो जाएगा, तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। जब अर्थ घूम रही थी तो आई वन का फॉर्मूला क्या था, 2/5 mr², ओमेगा वन क्या है, 2π/T1, अर्थ के घूमने का एक चक्कर कितने टाइम में पूरा होता है, 24 आवर्स, तो T1 की जगह 24 आवर्स। फिर अर्थ का नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि रेडियस चेंज हो गया, तो आप इसमें क्या करेंगे, तो इसके अंदर I2 की वैल्यू क्या होगी, 2/5, मास रिमेनिंग द सेम, रेडियस r की जगह क्या हो गया, r/n², और टाइम पीरियड ओमेगा 2 क्या हो गया, 2π/T2, m से m कैंसिल, r² कैंसिल, 2/5 से 2/5 कैंसिल, यहाँ से T2 निकाल लो आंसर। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर घूमती घूमती अर्थ छोटी हो जाती है, मास रिमेनिंग द सेम, तो आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है, I1 ओमेगा 1 इज I2 ओमेगा 2। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ जहाँ ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। आपने स्केटर देखे होंगे जो स्केट्स बर्फ के ऊपर गोल गोल बहुत तेज तेज घूमते हैं, तो होता क्या है, अगर वो कोई स्केटर अपनी बॉडी को फोल्ड कर ले तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, और अगर उसको अपने आप को रोकना है घूमने से, वो अपनी बॉडी को फैला लेता है, जितना फैलाएगा स्पीड स्लो हो जाती है घूमने की, और जितना बॉडी को फोल्ड कर लेता है तो स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। रीज़न, उस स्केटर की अपनी फोर्स है जो उसको घुमा रही है, हमने जाके एक्सटर्नल टॉर्क तो लगाया नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उस स्केटर के लिए आई इंटू ओमेगा इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो जब वो
अपने बॉडी को फैलाता है स्केट करते हुए, उसका एक्सेस उसकी बॉडी में से पास कर रहा है। फैलने का मतलब है बॉडी के मासेस को एक्सेस से दूर लेके जाना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। और फोल्ड करने का मतलब एक्सेस की तरफ मास को लेके आना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा। तो जब वो अपनी बॉडी को फैलाता है उसका आय बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, उसकी घूमने की स्पीड घट जाती है। सिमिलरली अगर वो बॉडी को फोल्ड कर लेता है उसका आय घट जाता है, उसकी घूमने की वेलोसिटी बढ़ जाती है। राइट कुछ नहीं, एयर ड्रैग तो हम छोट अभी रेस्पॉन्स में ले ही कहाँ रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, भी तो बहुत माइनर है, स्पीड बहुत तेज होती है, इसका तो अफेक्ट होने वाला इतना नहीं होने वाला। गिवन होगा, गिवन होगा, मास रिमेनिंग दी सेम। नहीं होगा तो फिर आई चेंज कर दूंगा, और तो कर भी क्या सकता हूँ फिर। देखो मैंने कभी अर्थ की शेप चेंज होती ऐसे देखी नहीं है, अर्थ स्फेयर है तो स्फेयर रहेगा भाई, आई इतना भी चेंज नहीं होगा। तुम लेक्चर चलने दो तुम्हें सारी कहानी समझ में आ जाएगी होता क्या है। अर्थ मतलब ऐसा भी नहीं होगा अर्थ डिस्क बन गई, नहीं होगा, ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। जब कोई स्विमिंग पूल में जंप करता है तो वो समर सॉल्ट करता है, गोल 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 घूम के पानी में जंप करता है, तो जब वो जंप करता है और गोल घूमना चाहता है, अपनी बॉडी को पूरी तरह फोल्ड कर लेता है, अपने जो है नीज तक अपने आप को पकड़ लेता है और बिल्कुल जितनी छोटा हो सके उतना छोटा हो जाता है, और फिर उतने राउंड वो घूम पाता है। और अगर किसी को गोल 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 नहीं घूमना तो वो अपनी बॉडी को फैला के जंप करता है अगेन, क्योंकि हमने तो उसको नहीं घुमाना, हमारी तरफ से एक्सटर्नल टॉर्क तो जीरो ही है। तो अगर वो बॉडी को फैला के जंप करेगा उसका आय बढ़ जाएगा, ओमेगा घट जाएगा, घूमने की स्पीड कम हो जाएगी। और जितना बॉडी को क्या करेगा फोल्ड करेगा, आई की वैल्यू उसकी छोटी हो जाएगी, घट जाएगी, ओमेगा उसका उतना ही बढ़ जाएगा, तो वो स्पीड इंक्रीज हो जाती है उसकी। क्लियर है? इसका कंपटीशन भी होता है, आपने देखा होगा टीवी के ऊपर वो बहुत ऊपर से जंप मारते हैं पूल के अंदर और गोल 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 घूमते हैं। अब देखो ना सारी गेम फिटनेस पे, जितना फिट होगा उतनी बॉडी को फोल्ड कर पाएगा, और जितना फोल्ड करेगा प्रॉपर फोल्ड करेगा वो भी हवा में, और उतना ही गोल गोल घूमेगा, यही तो कॉम्पिटिशन है, कौन कितना फिट हो गया अपनी बॉडी को हवा में अपने आप को फोल्ड कर लेता है और ओपन नहीं कर पाता, बस तैरने का कंपटीशन थोड़ी ना है वो। ठीक, तो ये कंपटीशन है। नेक्स्ट है जो कैट्स हैं, बिल्ली हैं या एनिमल्स हैं, वो भी इसको जानती हैं। जब कैट जंप करेगी या कोई भी जानवर जंप करेगा कैच करने के लिए किसी को, उसको डर है कि कहीं वो गोल लग घूम जाए, तो अपनी बॉडी को पूरा फैला के जंप करते हैं जानवर, ताकि ओमेगा, ताकि आय बढ़ जाए ओमेगा घट जाए, फिर भी एक आध तो जंप लगी जाती है गोल हो जाता है। और अगर वो अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेंगे तो उतनी उनकी समर सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा, और फिर क्या पकड़ेंगे वो गोली घूमना शुरू कर देंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट है बीड वाला एग्जांपल का सॉल्यूशन कट कर दो इसमें बुकलेट में से प्लीज़, इसको ऐसे नोट कर लो, इसके साइड पर अगर करना है इसको ऐसे नोट कर सकते हो कि अगर आपके पास सपोज़ आपके पास एक रॉड है, एक रॉड रोटेट कर रही है, एक रॉड है, रॉड का मास m है और लेंथ उसकी l है, और वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद ओमेगा। इस रॉड के एक्सिस के ऊपर दो बीड्स पड़े हुए थे जो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर हैं और जिनका मास छोटा m है, छोटा m है। जब रॉड घूम रही है विद ओमेगा तो क्या हुआ, ये जो बीड्स हैं ये बीड्स कोने पे चले गए, स्मॉल m कोने पे चले गए, ये लो यहाँ पे। अब बताओ रॉड का नया ओमेगा क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो रॉड घूम रही है विद ओमेगा और जब बीड्स एक्सिस के ऊपर हैं, जब बीड्स कॉर्नर पे आ गए तो नया ओमेगा क्या होगा, ये क्वेश्चन है। रॉड अपने आप घूम रही है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, रुकने वाली नहीं है, ओमेगा के साथ घूम ही रही है, कोई स्टॉपिंग फोर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, कुछ नहीं। तो रॉड के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू सिस्टम के ऊपर क्या है, जीरो, एल इज अ कॉन्स्टेंट। जब बीट बिल्कुल सेंटर पर हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट मासेस एक्सिस के ऊपर पड़े हुए हैं तो आई में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है।
तो उस केस में क्या होगा, आई वन का फॉर्मूला क्या होगा, आई वन का फॉर्मूला होगा सिर्फ रॉड का। रॉड का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वेयर बाय 12 इंटू घूमने की स्पीड क्या है उसकी, ओमेगा। और जब बीट बिल्कुल कॉर्नर पे आ गए तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा ही होगा, प्लस दोनों बीट्स का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि रॉड का तो होगा होगा और एक बीट का क्या होगा, पॉइंट मास है, एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो दो बीट्स है इंटू टू करना पड़ा, तो एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर का ट्वाइस, यहाँ से सॉल्व करके ओमेगा डैश निकाल लेना आंसर। तो जब भी रॉड और बीट की प्रॉब्लम आएगी क्या करना है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो रॉड के ऊपर जब बीट सेंटर पे हैं तो आई में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, और जब साइड पे चले गए तो आई में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, और आई चेंज होने से ही तो ओमेगा चेंज होगा, क्योंकि आई चेंज हुआ तो ओमेगा भी चेंज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ठीक, तो सबको ये आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या क्या इसका लॉजिक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने इससे समझ रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ लगता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके एग्जांपल दिए जा रहा हूँ मैं, रॉड और इस एग्जांपल में स्केटर का एग्जांपल है। कई बार ऐसा आता है, एक मैन है, ये मैन एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा है विद ओमेगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक डिस्क के ऊपर खड़ गया और डिस्क घूमी जा रही है, रुकने वाली है नहीं, मतलब कोई फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो वो ओमेगा के साथ घूमता ही जा रहा है। इस मैन के हाथ में डंबल्स हैं, ये रे भारी वेट हैं, डंबल्स हैं, तो जब वो डंबल को खोल के रखता है, ऐसे करके अपनी बॉडी को ऐसे खोल के रखता है, तो उसकी बॉडी का आय बढ़ जाता है, और खूब सारा बढ़ता है, क्योंकि मास बहुत दूर चला जाता है एक्सिस से। तो आप नोट करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, तो आई इंटू ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट। जब वो मैन अपना आई बढ़ाता है अपने डम्बल्स को दूर करके, तो प्लेटफॉर्म की स्पीड आप नोट करेंगे घट जाती है, और जब वो डम्बल्स को बॉडी के पास लेके आता है, एक्सिस के पास लेके आता है, तो आई घटता है, तो प्लेटफॉर्म की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ये अगेन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। अब न्यूमेरिकल क्या आएगा, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आएगा, आई इंटू ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट। जब भी ओमेगा चेंज होगा बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ आई, और एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट करेगा, तुमने जाके कुछ नहीं करना, वो घूम रहा है तो उसको घूमते रहने देना है, तो आपका एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होते हुए आपने क्या करना है इसमें, आपने इसमें आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट बोल देना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको ऐसा मिलेगा, बहुत आता है ऐसा एग्जांपल, आप देखेंगे मेंस में, नीट में तो भरा पड़ा है इस टाइप का एग्जाम्पल, अलग अलग मतलब अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो के नए नए तरीके से पूछते हैं, कभी कुछ चेंज कर दिया, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल एक ही है। आपको क्वेश्चन में ये देगा, एक डिस्क घूम रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन विद ओमेगा वन, सही है, एक डिस्क घूम रही है आई वन विद ओमेगा वन। इस घूमती हुई डिस्क के ऊपर जेंटली, ये वर्ड लिखा होगा, हमेशा लिखा होता है जेंटली प्लेस, क्योंकि अगर वर्ड जेंटली नहीं है तो तुम जाके झटका मार दोगे, एक्सटर्नल टॉर्क लगा दोगे, फिर एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। तो अगर डिस्क घूम रही है आई वन विद ओमेगा वन, और तुमने बड़े प्यार से जेंटली बिना डिस्टर्ब किए एक और डिस्क उसके ऊपर प्लेस कर दी, उसको पता ही लगा पहली डिस्क को कि आपने सेकंड डिस्क रख दी, इसे बोलते हैं जेंटली प्लेस्ड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का बढ़ गया, एक्सटर्नल टॉर्क तो लगा नहीं, तो रूल क्या लगेगा, एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट। तो पहले एंगुलर मोमेंटम है कितना, आई वन ओमेगा वन, नया कितना हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया इंटू ओमेगा टू। यहाँ से पूछेगा ओमेगा टू कितना निकाल लेना, ओमेगा टू कितना है। उल्टा भी ऐसा पूछ सकता है कि अगर कोई डिस्क है, दो डिस्क घूम रही हैं, तो आई वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा टू, उनमें से एक डिस्क जेंटली हटा ली तो फिर नया ओमेगा क्या होगा, क्वेश्चन तो सेम ही है। वो क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है, एक डिस्क घूम रही है, डिस्क के ऊपर रिंग रख दी तो नया ओमेगा क्या होगा। वो ऐसा भी पूछ सकता है, एक डिस्क घूम रही है, उसके ऊपर डिस्क के ऊपर किसी ने पानी के बूंदे गेर दी उसके सरकमफेरेंस के ऊपर, तो अब पानी के बूंदे सर्कमफेरेंस पे और वो जाके, चलो पानी ना सही, कोई ऐसा मटेरियल जो चिपक सकता है, चलो ऐसे ले लो, तो उस बूंदे इज अ पॉइंट मास, तो उसका आई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और ओमेगा घटना स्टार्ट हो जाएगा, और पानी के गिरने का रेट वो आपको दे देगा, एक सेकंड में इतने केजी पानी गिरता है,
तो टी सेकेंड में कितना गिरेगा वो मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा, तुम आई को बढ़ा देना तुम्हारा ओमेगा घट जाएगा। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, डिस्क घूम रही है और डिस्क का एक टुकड़ा टूट गया और टूट के थोड़ी जो बची हुई डिस्क है वो घूम रही है, पर तुमने जाके एक्सटर्नल टॉप नहीं लगाया, फिर भी यही लगेगा आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा। तो मैं आपको आज के लेक्चर में यही बताने वाला हूँ कि इसकी क्या क्या फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, यही हमारा आज काम है। इसलिए इतना मतलब इतनी टाइप्स हैं कि ये पूरा लेक्चर इसी में आज खत्म होने वाला है, बस एंगुलर मोमेंटम और को निकालना और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और वो भी इसी स्पीड पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ा इसमें काफ़ी वैरायटी होने वाली है कुछ। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट कोलिजन्स। अब ये पहला प्रॉब्लम है जिसमें एक कोई भी बॉडी आएगी, हम क्या करते आए हैं, एक बॉल आई, एक बॉल को हिट किया, दोनों बॉल सेपरेट होगी या सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो कोलिजन में अप्लाई किया ही था। तो एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ये हमने अप्लाई किया। लेकिन जब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, वहाँ पर बॉल्स की या बॉडी की शेप्स मैटर नहीं करती। आपने पूरा कोलिजन का चैप्टर किया, हमने कभी कहा बॉल का रेडियस r है और दूसरी बॉल का रेडियस r डैश है, हमने बात ही नहीं की। तो हम काम किस पे कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास पे। हमने शेप कहाँ लिया, हमने कहा जी एक सेंटर पे मास है, उसने दूसरी बॉल को हिट किया, सेंटर ऑफ मास पे, बात ही खत्म। और हम कभी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कभी लेते नहीं थे, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे मिलता था, ठीक हो गया। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन सेंटर ऑफ मास पे लगता है। यहाँ पे एक बुलेट आया, इसने इसको एक रॉड है, ये रॉड वर्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि आपकी मेंस की प्रॉब्लम में वर्टिकल रॉड का एक क्वेश्चन गिवन भी है जिसमें एक डायग्राम देखा आपने, एक रॉड के साथ एक मास है वो टक्कर मारता है वो घूमता है, आज वो प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। जो कोलिजन्स की जितनी प्रॉब्लम हमने छोड़ी हैं, वैसे तो हमने एक आज ही छोड़ी है, अभी की नहीं, मैं आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए आज, तो वो आप ट्राई करेंगे कोलिजन्स पे। तो ये रॉड ऐसे टेबल पे पड़ी हुई है, ऐसे ये डायग्राम ऐसा है प्लीज, और इस तरीके से एक बुलेट आता है, इसको हिट करता है, बुलेट टक्कर मारने के बाद रेस्ट पे आ जाता है और ये रॉड घूमती है, और ये रॉड सेंटर से हिंज्ड है, पेच लगा रखा है, ये हिंज्ड है, तो ये रॉड हिंज्ड है और ये रॉड क्या कर रही है, ये रॉड घूम रही है टक्कर मारने के बाद। ठीक, आपको बताना है रॉड का ओमेगा क्या होगा, रॉड का ओमेगा क्या होगा, नहीं घुसती नहीं है, बस टक्कर मार के वहीं टक्कर मार के वहीं रेस्ट पे आ जाती है, सिंपल। घुसने वाली प्रॉब्लम भी आने वाली है, वो पेनिट्रेट कर जाएगी, उसकी वेलोसिटी यू की जगह यू बाई थ्री हो जाएगी, पर पहले थोड़ा एक स्टेप वो स्टेप अभी समझ में आ जाएगा क्या करना है उसमें, एक स्टेप एक्स्ट्रा ही है उसमें, क्योंकि ये सारा काम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का ही है। तो इसमें कोई कहता है सर इसमें कोलिजन हो रही है, मैं कहा कोलिजन हो रही है, कहता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, मैंने कहा कहाँ लगाएंगे, कहता सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे, मैंने कहा लग ही नहीं सकता, क्यों, उसने कहा लग क्यों नहीं सकता, लगाऊ ना इसमें, मैंने कहा लगा के दिखाता हूँ देख। पहली बात तो जब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात होती है तो कॉन्सेप्ट किसके ऊपर लगता है, सेंटर ऑफ मास पे, और जब बात सेंटर ऑफ मास की है तो शेप मैटर नहीं करती। इस रॉड का मास इमेजिन कर लेते हैं कैपिटल एम है और किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट पे। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये इसको हिट करता है, ये खुद रेस्ट पे आ जाता है और सेंटर ऑफ मास अभी भी किस पे पड़ा रहेगा, एट रेस्ट। कैसे लगाओगे, मतलब मोमेंटम कैसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे एम यू प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, सेंटर ऑफ मास मूव करे तब तो कुछ कोलिजन की प्रॉब्लम भी हो, तो सेंटर ऑफ मास तो मूव ही नहीं कर रहा, उसको तो आपने हिंज डी कर दिया, तो कंजर्वेशन मोमेंटम कैसे, ये तो वही बात होगी तुमने सामने दीवार रख दी और तुमने एक बॉल को हिट किया और तुम कह रहे हो दीवार और बॉल पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, लगेगा ही नहीं, और वो रिबाउंड भी नहीं कर रही, तो लग तो सकता है लेकिन उसके लिए आपको सेंटर ऑफ मास को क्या करवाना है, मूव भी करवाना है तब लगेगा, वो भी आपको लगा के दिखाता हूँ। पर चलो इन एनी केस कोई अगर गलती से भी ये करने की कोशिश भी करता है कि चलो मेरे से गलती हो गई और मैंने सोचा कि मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूँ, तो उसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो टक्कर से पहले बोलेगा बुलेट का मोमेंटम एम यू है और इस कैपिटल एम का तो जीरो है, तो टोटल मोमेंटम इनिशियल एम यू प्लस जीरो, टक्कर के बाद ये रेस्ट पे बोल दिया, ये रेस्ट पे बोल दिया, तो बात ही खत्म है। हालांकि ये इसलिए भी नहीं लग पा रहा, वैसे एक और बात बताता हूँ मैं आपको, मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाया है,
तो मैंने बुलेट को रेस्ट पे ला दिया, और हो सकता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में बुलेट का कुछ ना कुछ मास हो आफ्टर कोलिजन, और हो सकता है वो रीमाउंट भी कर जाए। मैंने कहने का मतलब ये तो मैंने जस्ट वैसे ही अपने मन से क्वेश्चन बनाया, इसलिए मैं यहाँ लगा भी नहीं पा रहा, अदरवाइज कोलिजन्स के अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एप्लीकेबल होता है। पॉइंट समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यहाँ इसलिए लगा नहीं पा रहा क्योंकि मैंने अपने मन से वैल्यू ली, बुलेट आया और रेस्ट पे हो गया, पर जब प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम की जाएगी तो बुलेट टक्कर मारने के बाद रेस्ट पे नहीं आएगा, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो मेरे को, चलो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के रास्ते जाना ही नहीं है, मेरे को तो एंगुलर मोमेंटम में जाना है। जब भी कोई लीनियरली बॉडी एक आएगी विद अ लीनियर मोमेंटम एम यू और वो किसी भी सामने पड़ी हुई बॉडी को हिट करेगी और सामने पड़ी हुई बॉडी घूमेगी ओमेगा के साथ, तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगाना, क्योंकि इसमें ओमेगा इन्वॉल्व्ड है, और जब ओमेगा इन्वॉल्व्ड है तो आप ओमेगा के लिए तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा ही लगेगा ना, और कोई ऑप्शन भी नहीं हमारे पास। तो कैसे लगेगा ये बताओ, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले इनिशियल मोमेंटम और टक्कर के बाद सिस्टम का, दोनों बॉडीज का फाइनल मोमेंटम सेम होना चाहिए, और वो भी एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम टक्कर से पहले दोनों बॉडीज का, पूरे सिस्टम का लेना है, और सेकेंड बॉडी का भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। शुरू करें, सबसे पहले रॉड टक्कर से पहले किस पे थी? एट रेस्ट, तो इसका मोमेंटम क्या है? जीरो। अब बुलेट, बुलेट आया, देखो सिस्टम की बात हो रही है, बुलेट के पास एंगुलर मोमेंटम था, कितना था? आई ओमेगा तो था नहीं, वो तो घूम ही नहीं, वो था पी इंटू आर। देखो लीनियर मोमेंटम बुलेट का क्या था? एम वी, और उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था? एच। तो बुलेट ने इस स्टिक को एंगुलर मोमेंटम इम्पार्ट किया, कितना किया? एम वी इंटू आर। तुम पॉइंट मास भी बोल सकते हो इसे, पॉइंट मासेस का एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है, तो देख लो एम वी इंटू एच। नहीं तो हमें एंगुलर मोमेंटम निकालने का दूसरा फॉर्मूला तो आता ही है, क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो बुलेट का लीनियर मोमेंटम एम वी है और ओ एक्सिस मानते हुए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच है, तो ये आपके पास आ गया एम इंटू यू इंटू एच, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बुलेट। अब टक्कर के बाद बुलेट किस पे आ गया? एट रेस्ट, बुलेट आ गया रेस्ट पे, और रॉड घूम रही है विद ओमेगा, तो रॉड का फॉर्मूला क्या लगेगा? क्योंकि ओमेगा की फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आई इंटू ओमेगा, और वैसे भी रॉड का एक्सिस सेंटर है और वो ओमेगा से घूम रही है, तो आई की जगह हम क्या पुट कर देंगे? एम एल स्क्वायर बाय 12, और ये टक्कर और ये कोलिजन मारने के बाद बुलेट तो यहीं टेबल पर गिर गया और ये घूमना शुरू हो गया विद ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आएगा। इस केस में कोई कहता जी एनर्जी कंजर्वेशन लगा लूँ, मैंने कहा कैसे? कहता देखो टक्कर से पहले बुलेट की एनर्जी क्या है? हाफ एम यू स्क्वायर। टक्कर के बाद मैंने क्या कहता? टक्कर के बाद जो रॉड है, बुलेट तो रेस्ट पे आ गया, तो रॉड का, रॉड जो है प्योर रोटेशन में आ गया, तो रॉड के पास एनर्जी क्या आ गई? हाफ आए ओमेगा स्क्वायर। मैंने कहा देख ये लगेगी या नहीं लगेगी ये डिसाइड कौन करेगा कि कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। देख एनर्जी लॉस नहीं है, अगर क्वेश्चन में मेंशनड है कि बुलेट की सारी एनर्जी रॉड को मिल गई तो लगा दे, और अगर कहीं ये एनर्जी लॉस की बात करता है फिर बिल्कुल मत लगाना, इसलिए मैंने इसको यहाँ नोट नहीं किया वहाँ नोट किया है, ताकि कहाँ लगाना कहीं नहीं लगाना ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा, ये हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे अभी। बट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो एनर्जी लॉस हो या ना हो ये तो हर हालत में लगेगा ही लगेगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब इसमें ये क्वेश्चन के अंदर मैंने ये एज्यूम किया है कि आपका जो स्टिक है, आपकी जो रॉड है वो हिंज्ड है, ऐसा भी तो हो सकता था। ये रॉड है, पूछो डाउट है, ये रॉड है, इस बार मैंने हिंज नहीं की, कुछ नहीं लगाया, पड़ी है टेबल पे, लो बुलेट आई हिट किया, अब क्या होगा? अब ये नहीं, हाँ मतलब ये रोटेशन में भी होगी एंड ट्रांसलेशन में भी होगी, रोल नॉर्मली नहीं बोल सकते वो स्फेयर्स और उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है,
रूल तो टायर रूल करता है इस वजह से, मतलब ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन दोनों होगा, सही है। अब उसमें इक्वेशंस कैसे लगेंगी वो देख लें, ये लो। तो उसकी इक्वेशन सबसे पहले, सेकंड जो केस है ये पॉइंट हिंज्ड नहीं है, और ये ना बड़ी कंफ्यूजन होती है क्वेश्चन में कि रॉड ऐसे पड़ी है कि रॉड ऐसे पड़ी है, क्योंकि डायग्राम दोनों के सेम बनते हैं, अपने को पता ही लगता कि हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है। क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होता है हॉरिजॉन्टल लेना है या वर्टिकल, ये पढ़ लेना। वर्टिकल है फिर ग्रेविटी के इफेक्ट भी आते हैं, एम जी साइन थीटा, और अगर नहीं है तो फिर कोई चक्कर नहीं, एम जी का चक्कर ही नहीं है इसमें, और ये हॉरिजॉन्टल है। तो क्वेश्चन में जो मैंने लिया वो हॉरिजॉन्टल लिया, और हुआ क्या, जब इसकी कोलिजन हुई टेबल के ऊपर रॉड ट्रांसलेशन मोशन में है, और ट्रांसलेशन मोशन में कौन मूव करता है, सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी होगी, कोई डाउट इसमें, करें स्टार्ट। क्योंकि कोलिजन है तो पहला काम एक काम करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तो होना ही है, तो इसने एच डिस्टेंस पे हिट किया, तो बुलेट ने एंगुलर मोमेंटम कितना इंपार्ट किया इसे, एम यू इन टू एच, और रॉड तो रेस्ट पे थी, और टक्कर के बाद क्या हुआ, रॉड घूम रही है विद आई ओमेगा और बुलेट तो रेस्ट पे आ गया था। तो पहली क्वेश्चन, तो इक्वेशन नंबर वन सबको क्लियर है, एम यू एच इज आई ओमेगा तो लगना ही है हर क्वेश्चन में, और आई का मतलब एम एल स्क्वायर बाय 12। ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, ये टेक्निक बता रहा हूँ, अभी आपको एक शीट दूंगा उसमें आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर तक लेके आना है, पर कॉन्सेप्ट ऐसा ही लगेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरी क्वेश्चन लगेगी, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मोशन में है और इसमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं गिवन तो मेरी तरफ से गिवन ले लो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, और अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, चलो अगर नहीं भी देता तो भी लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट तो फिर भी लगता ही है, तो लीनियर मोमेंटम किस पे लगता है, सेंटर ऑफ मास पे। तो अब बुलेट है एम यू के साथ मूव कर रहा है, रॉड का सेंटर ऑफ मास किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट, टक्कर के बाद बुलेट किस पे है, रेस्ट, और सेंटर ऑफ मास कैपिटल एम का मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या ही क्वेश्चन लगेगी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में टक्कर से पहले एम यू प्लस जीरो, जीरो प्लस एम इन टू वी सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन नंबर टू। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो पहली इक्वेशन एम वी एच इक्वल टू आई ओमेगा, दूसरी जो हम नॉर्मल कोलिजन में करते आए हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होगा कि अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी भी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कैसे, कोलिजन से पहले बुलेट के पास एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, रॉड तो मोशन में थी नहीं तो रॉड की एनर्जी क्या है, जीरो। अब टक्कर के बाद क्या हुआ, टक्कर के बाद रॉड मूव कर रही है ट्रांसलेशन मोशन में, रॉड की ट्रांसलेशन मोशन की एनर्जी कितनी है, हाफ बड़ा एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, और रॉड साथ साथ घूम भी तो रही है, घूमने की एनर्जी क्या होती है, हाफ आए ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो रॉड के लिए काइनेटिक भी है एंड रोटेशनल भी है, और बुलेट की काइनेटिक क्या है, जीरो। ये तीन इक्वेशंस, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, और तीसरी एनर्जी कंजर्वेशन, किसी भी इलास्टिक कोलिजन को सॉल्व कर देगी। क्या आंसर आएगा अभी क्वेश्चन दूंगा, पूछूंगा, उसमें करके देखना, बट तीन इक्वेशंस क्लियर हैं। एक एंड से हिंज्ड होगी तो एम एल स्क्वायर बाय 3 यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल। आप तीन ही क्वेश्चन समझ में आ गई, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, रुको, प्रैक्टिकल चार ऑब्जेक्टिव के ऑप्शंस के साथ, तो मार्क करना क्या निकालना है वो, ना मुझे पता नहीं क्या पूछेगा, ना क्या पता ओमेगा पूछ रहे, अगर ओमेगा पूछ रहे तो करने की जरूरत क्या है, फिर तो ओमेगा यहाँ से आ ही गया, तो फर्स्ट ही क्वेश्चन क्लियर है, लेकिन कुछ और भी तो पूछ सकता है। तो दो मिनट वेट करो, मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट देता हूँ, उसमें क्वेश्चन आने वाला है, ये वो क्वेश्चन का हिंट दिया है मैंने तुम्हें, ये क्वेश्चन नहीं करवाया, सॉल्व तुमने अभी करना है बैठ के, बोलो। हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर में, के स्क्वायर ऐसे रॉड का होता ही नहीं, आर ही नहीं है रॉड का, नहीं लगा सकते, रॉड में हमेशा अलग अलग एनर्जी ही लगानी पड़ती हैं, आर नहीं है ना, इसलिए ठीक है, बाकी फिगर में लग जाता है, इसमें नहीं लगता।